हेलो फ्रेंड्स, शशि शुक्ला डॉट कॉम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अचारी मशरूम शिमला मिर्च बनाना बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए देखिए, मैंने ये 200 ग्राम मशरूम है, इसको काट लिया है ऐसे टुकड़ों में, और ये एक मीडियम साइज़ की लाल शिमला मिर्च है, एक हरी शिमला मिर्च है और एक पीली शिमला मिर्च है। ये ऑप्शनल है, आप खाली हरी भी ले सकते हैं अगर आपको नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें मैंने काट ली है। शिमला मिर्च मैंने चौकोर पीस में काटा है, और ये देखिए एक प्याज मैंने चौकोर टुकड़ों में उसके जो है उसकी पंखुड़ियाँ अलग कर ली हैं, चार टुकड़े करके और पंखुड़ियाँ अलग कर ली है। और एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने बारीक चॉप कर ली है। ये अदरक है और लहसुन, एक इंच का टुकड़ा अदरक का, 6 से 7 लहसुन बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहे तो इसको कूट भी सकते हैं। और ये देखिए दो लाल फ्रेश जो रेड चिली होती है उसको मैंने चॉप कर लिया है। हींग चाहिए हमें, नमक, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ी कश्मीरी मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। और ये मैंने ये जो है धनिया की जो जड़ होती है वो भी लिया है, ये भी हम डालेंगे। दो तड़के के लिए मैंने पत्ता तेज पत्ता लिया है। ये धनिया गार्निशिंग के लिए, धनिया की पत्तियां ली हैं गार्निशिंग के लिए। और कुछ हम खड़े मसाले, क्योंकि ये अचारी मशरूम शिमला मिर्च है तो हम कुछ खड़े मसाले लेंगे। देखिए 1 चम्मच जीरा है, आधा चम्मच ये सौंफ है, और एक टुकड़ा दालचीनी का है। ये देखिए 1 छोटा चम्मच धनिया का मैंने लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने ये कलौंजी अनियन सीड लिया है। एक इतना सा टुकड़ा देखिए ये जायफल का है। 2 लौंग है, 2 छोटी इलायची है और 5 से 6 काली मिर्च है। इसको हमें ड्राई रोस्ट अभी कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद हम इसको पीसेंगे। तो और तेल लिया है मैंने, ऑलिव ऑयल लिया है। आप जो भी ऑयल खाते हो आप उसमें बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले हम ये खड़े मसाले थोड़े से ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। बहुत हमें इसको जलाना नहीं है, बस इसका मॉइस्चर हमें खड़ा कर जो है ख़त्म करना है। आप चाहें तो इसमें खड़ी लाल मिर्च भी 1-2 ले सकते हैं, मैंने फ्रेश ली है, आपकी मर्जी है, आप ले सकते हैं। तो थोड़ा सा बस इसका हमें मॉइस्चर ड्राई करना है। ये देखिए फ्रेंड, मसाला भुन गया है। मैंने 1 टेबल स्पून तेल ले लिया है। अभी हम तेल को गर्म होने देते हैं, मसाला को हम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर उसके बाद हमें इसको मोटा मोटा पीसना है, बहुत बारीक नहीं पीसना है। आप चाहे कुटनी में कूट लीजिए, चाहे सिलबट्टे पे, या फिर मिक्सी में करिए पीसिए। तो 1 से 2 बार ही चलाइए, ज़्यादा नहीं चलाइए, रुक रुक के, और मोटा ही पीसिएगा। तो चलिए तेल गर्म होने देते हैं। ये देखिए तेल गर्म हो गया, इसमें मैंने 1/4 टीस्पून जीरा डाल दिया है और छोटे छोटे 2 तेज पत्ते डाल दिए हैं। थोड़ा सा हम इसमें हींग डालेंगे, 1/4 टीस्पून। इसको थोड़ा सा हमें भुनने देना है। इसमें सबसे लास्ट में मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालूंगी, आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए ये हमारा भुन गया है। अब हम इसमें ये लहसुन और अदरक जो हमने ग्रेट किया हुआ था पहले ये डाल देंगे और इसको भुनेंगे। अब हम इसमें ये बारीक वाली चॉप प्याज जो हमने चॉप की थी वो डालेंगे और इसको भून लेंगे। ये जो लाल मिर्च फ्रेश काटी थी हमने वो भी डाल देंगे। अब हमें प्याज को बस थोड़ा सा ही भुनना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए उसके बाद हम इसको भुनना बंद कर देंगे। अब हमने इसमें ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, मैं टमाटर आपको बताना भूल गई थी, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर भी मैंने चॉप किए थे, इनको डाल दिया है। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे, जो हमारे पास सूखे मसाले हैं थोड़े से वो डाल देंगे। 1 पिंच बस हल्दी का डालेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसको पीला कलर नहीं देना है। 1/2 छोटा चम्मच हमने गरम मसाला डाला है और 1/2 छोटा चम्मच ये देखिए चम्मच इसी से कश्मीरी मिर्च डाली है। 2 चुटकी मैंने जीरा पाउडर डाला है, कच्चा जीरा पाउडर है। 2 चुटकी ही काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। नमक हम इसमें स्वाद अनुसार डाल देंगे और इसको अब हम मसाले को अच्छे से पहले भून लेंगे। फ्रेंड इसमें हम ये देखिए जो धनिया की डंडी हमने रखी थी उसकी जड़ और डंडी वो डाल देंगे। मैंने थोड़ा सा इसको काट लिया है, इसको डाल के इसी के साथ हम मसाले के साथ ही मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ये प्याज जो पेटल्स काटे थे प्याज के उसको डाल देंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे, बस 15 से 20 सेकेंड के लिए हम इसको भूनेंगे। ये देखिए अब हम ये सारी चीज़ें शिमला मिर्च मशरूम सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पे ही इसको भूनेंगे लगातार चलाते हुए। ऐसा चलाइएगा कि कोई भी चीज़ इसमें टूटे नहीं और अच्छे से इसको हम भून लेंगे। फ्रेंड ये जो हमने ड्राई खड़े मसाले भुने थे मैं इसको सिलबट्टे पे पीस लूँगी। सिलबट्टे पे पीसने से एक तो स्वाद अच्छा आता है और फिर ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा, मतलब बारीक नहीं पीसेगा, इसलिए मैं इसको सिलबट्टे पे थोड़ा सा पीस लेती हूँ हल्के हाथों से। ज़्यादा अगर हम दबा के पीसेंगे
तो ये जो है बारीक हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, मैंने मसाला पीस लिया और ज़्यादा बारीक नहीं किया है, मोटा मोटा ही है, तो इसको भी हम साइड में रख लेते हैं और हम इनको 2 से 3 मिनट भूनेंगे अच्छे से सब्जियों को। बहुत ज़्यादा हमें सब्जियों को कुक नहीं करना है, हमें 80% ही कुक करना है। थोड़ी सी ये सब्जियाँ रॉ अच्छी लगती हैं, मतलब कच्ची अच्छी लगती हैं, अगर जो है ज़्यादा पका देंगे तो इनका कलर और टेस्ट दोनों चेंज हो जाता है। और ये सब्जियाँ ऐसी हैं कि आप थोड़ी इनको कच्ची खा सकते हैं, तो थोड़ी देर हम इनको 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे पकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड, मेरी सब्जियाँ अच्छे से पक चुकी हैं। अब हम इसमें सबसे लास्ट में ये जो हमने मसाले पीसे थे रोस्ट करके खड़े, ये डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हमें 20 से 25 सेकंड के लिए इसके साथ भून लेना है। ये देखिए हमारी सब्जी भुन चुकी है। लास्ट में मैंने सीक्रेट इंग्रेडिएंट बोला था, वो था कसूरी मेथी। इसको मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप ऐसे ट्राई ज़रूर करिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड, हमारी ये अचारी मशरूम शिमला मिर्च बन के रेडी है। अब मैं आपको इसको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। लास्ट में हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और अब हमारी सब्जी डन है। गैस को बंद कर देते हैं और प्लेटिंग करके दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारी अचारी मशरूम शिमला मिर्च बन के रेडी है। और जो जो मैंने आपको इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट और सारे खड़े मसाले बताए हैं, वो आप ज़रूर डालिएगा और बना के ट्राई ज़रूर करिएगा और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर किया करिए। मिलते हैं फ्रेंड नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।